हेलो गाइस, हमने रेडमी नोट 9 मंगाया है ऑनलाइन रेडमी की वेबसाइट से, जो कि पड़ा है 11,000 का। तो उसको हम देखते हैं, इसका रिव्यू देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर हम बात करें इस रेडमी नोट 9 की, तो इसमें क्या होता है, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, ठीक है। और इसमें सेंसर भी बहुत ही अच्छा होता है पोर्ट्रेट सेंसर के साथ। और इसमें क्या है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अगर हम बात करें 10,000 11,000 तक के रेंज की, तो बहुत ही बेस्ट फोन है। और इस पे कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, अगर ऑफर लगाएंगे आप तो उस पे भी डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो यहाँ पे सारी चीजें, सारा स्पेसिफिकेशन दिया है। 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा एंड हाई परफॉर्मेंस हीलियो G85। ओके, इसका स्क्रीन है जो 6.5 का है, और इसमें 5020 mAh की बैटरी लगी हुई है। इसमें देखो यहाँ पे दिया है 48 8+2+2 मेगापिक्सल का, इसमें 4 कैमरा है। और साथ में क्या है, इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, ठीक है। और ये 4:64 में भी अवेलेबल है और 6:128 में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं खोल के कि क्या क्या कहानी है। और इसके अगर हम प्रोसेसर की बात करें, तो प्रोसेसर में क्या होता है, G85 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्टा कोर, ठीक है। और उसमें क्या है, 2 GHz का जो इसका क्लॉक स्पीड है, वो 2 GHz का है, ठीक है। तो इसमें SD कार्ड भी सपोर्टेड है, डबल सिम है, ठीक है, सारी चीजें इसमें है। और इसमें देखते हैं ओपन करके हम क्या है कहानी इसकी, इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, सो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें दी हैं हमें। अब देखो अभी करंट टाइम में क्या हुआ है, हर एक कंपनी क्या कर रही है, बैक कवर दे रही है साथ में। लगभग जो भी फोन लें हम, तो वो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, बैक कवर साथ में दे रहे हैं। तो इसके साथ एक फ्लिप बैक कवर भी है, और ये काफी स्मूथ है और ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रांसपेरेंट कवर की बात करें तो ट्रांसपेरेंट कवर ही हमें अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, ठीक है। ये चीज कंपनी के साथ आता है, अधिकतर फोन में अब बैक कवर आने लगा है साथ में। बाकी लोग तो अपनी पसंद से खरीदते हैं, बट ट्रांसपेरेंट वाला अच्छा लगता है, ताकि दिखे कि हाँ फोन के पीछे वाला पार्ट जो है वो कुछ है। फोन के पीछे में नीला पीला जो भी लेते हैं कलर, इसीलिए तो कलर वेरियंट सब चूज करते हैं। एंड देन ये हमारा फोन इसमें पैक है, फोन को निकालते हैं। ओके, सो ये है, ये रहा हमारा फोन, इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखो ये हमारा फोन काफी स्मूथ फोन है और काफी अच्छा ही, बहुत बेस्ट फोन लग रहा है ये, ठीक है। ये इसका कैमरा है 48, और ये फ्रंट है, इसको ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये फोन ओपन हो रहा है। अच्छा, जब तक ये ओपन है रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, इसके और सारी चीजों को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें हमें एक चार्जर मिलता है, और चार्जर के साथ साथ ये अडेप्टर मिलता है, ठीक है। चार्जर और डाटा केबल, USB डाटा केबल, ये चीजें मिलती हैं हमें। और बाकी तो इसमें और कुछ चीजें नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। इसको तो हम रख देते हैं, और फिर फोन का देखते हैं क्या है कहानी। ये बैक कवर हमने कुछ उल्टा रख दिया है। ओके, सो जो ये चार्जर है मेरा, ये कुछ उल्टा हो गया है। ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा फोन है, ठीक है। इसकी कैमरा भी, कैमरा क्वालिटी भी रेडमी की बहुत ही अच्छा होता है, और सारी चीजें लगभग इसकी अच्छी ही होती हैं। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने की जो भी कहानी होती है, ओपन कर लेंगे। अगर हम बात करें इस रेडमी फोन की, तो काफी स्मूथ फोन है और काफी भी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा वजन इसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फोन, हल्का सा वजन इसका है, इसमें वजन है अगर हम देखें, लेकिन काफी स्मूथ है और बहुत ही अच्छा फोन है, जो कि 11,000 के रेंज में बहुत ही अच्छा फोन है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो सो थैंक यू। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कल कल तक हमारा एक नया और फोन आ जाएगा, रेडमी 10, रेडमी नोट 10। तो उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएंगे, देखते हैं उसमें क्या 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 चीजें हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।